अरे भाजपाई, तुम चले थे कांग्रेस मुक्त भारत बनाने के लिए और कांग्रेस युक्त भारतीय जनता पार्टी बना लिए हो। जिन कांग्रेस के नेताओं को ये परिवारवादी कहा करते थे, ज्योतिरादित्य सिंधिया जो कांग्रेस में थे तब परिवारवादी थे और जया शाह के पिताजी के साथ चाय पे चर्चा करते ही समाजवादी बन गए हैं। बेईमानी, इस बेईमानी को आप समझिए कि जिस नेता का नाम कोई नहीं जानता है, टीवी वाले बड़ा बड़ा उसका नाम लिखते हैं कि कांग्रेस के वरिष्ठ नेता कांग्रेस छोड़ करके चले गए हैं। कांग्रेस पार्टी कांग्रेस के नेताओं से नहीं, इस देश की जनता से जिंदा है, इस बात को याद रखिए। कांग्रेस पार्टी इस देश के लोगों के लिए जो काम किया है उस काम से ये कांग्रेस पार्टी जिंदा है। कांग्रेस पार्टी ने इस देश को संविधान बना करके दिया, कांग्रेस पार्टी ने इस देश को आजादी दिलाई, कांग्रेस पार्टी ने लोगों के वोट बराबर किए। आज जब हम यहां सरगुजा में भारत जोड़ो न्याय यात्रा के बीच मौजूद हैं, 31वां दिन है और आज सुबह हमारे नेता श्री राहुल गांधी जब किसानों से बात कर रहे थे, ठीक उसी वक्त दिल्ली में किसानों के ऊपर आंसू गैस के गोले छोड़े जा रहे थे। मोदी जी मत छोड़िए आंसू गैस का गोला, ऑलरेडी किसान के आंख से बहुत आंसू बह रहे हैं। इस देश में किसान का बच्चा किसान नहीं बनना चाहता है, नेता का बच्चा नेता बनना चाहता है, डॉक्टर का बच्चा डॉक्टर बनना चाहता है, डीएम का बच्चा डीएम बनना चाहता है, वकील का बच्चा वकील बनना चाहता है, जज का बच्चा जज बनना चाहता है, लेकिन इस देश में अन्नदाता का बच्चा अन्नदाता नहीं बनना चाहता है। क्यों नहीं बनना चाहता है? इसलिए नहीं बनना चाहता है कि अपने ही खेत पर, अपने ही खेत की मेड़ पर उगे हुए पेड़ पर फांसी लगा करके किसानों को जान देना पड़ता है क्योंकि उनको उनके फसल का दाम नहीं मिलता है। हम सवाल पूछते हैं कि चाहे जज हो, नेता हो, वकील हो, खाते तो आप अनाज ही हैं ना। अगर अनाज खाते हैं तो इस देश को अन्नदाताओं को सम्मान करना पड़ेगा, और अन्नदाताओं के सम्मान करने का मतलब यह है कि अगर इस देश में 14 लाख करोड़ चंदादाताओं का कर्जा माफ किया जा सकता है, मोदी जी के दोस्त का कर्जा माफ किया जा सकता है, तो इस देश के अन्नदाता का भी कर्जा माफ करना पड़ेगा। और यही किसान न्याय के लिए यह भारत जोड़ो न्याय यात्रा चल रही है। किसान इस देश में धान बोता है और इस देश की सरकार सड़क पर कील बो रहे हैं, सड़क पर कील बो रहे हैं, सड़कों पे दीवार खड़ा कर रहे हैं कि किसानों ने कहा है कि सरकार ने जो हमसे वादा किया है वो वादा सरकार करना चाहते हैं। बिना मांगे किसान ने नहीं मांगा कि आप मेरी भलाई कर दीजिए, सरकार जबरदस्ती पकड़ करके किसान का भलाई करना चाहती थी और तीन कानून लेकर के आई और इस तीन कानून के खिलाफ किसानों ने आंदोलन किया। एक साल का आंदोलन चला, 750 किसानों की शहादत हुई और सरकार मजबूर होकर के उस कानून को वापस ली और उस बातचीत में, उस समझौते में सरकार ने यह कबूल किया कि हम आपको एमएसपी की गारंटी देंगे, एमएसपी को कानूनी दर्जा दिया जाएगा। स्वामीनाथन का नाम याद आया, एक बात आपको बता देता हूँ, कितनी चालाकी है, इस चालाकी को आप समझिए कि एक तरफ किसान नेता चौधरी चरण सिंह जी को भारत रत्न दिया जाता है, स्वामीनाथन साहब को भारत रत्न दिया जाता है और उसी वक्त इस देश के किसानों के ऊपर आंसू गैस का गोला चलाया जाता है, डंडे मारा जाता है, सर फोड़ा जाता है। यह खेल हम लोगों को समझना पड़ेगा। इसीलिए यह जो भारत जोड़ो न्याय यात्रा है, यह न्याय यात्रा इस देश में किसानों को न्याय दिलाने के लिए, किसानों को इस बात का भरोसा दिलाने के लिए है कि अगर हम सरकार में आते हैं तो न सिर्फ हम किसानों का कर्जा माफ करेंगे बल्कि एमएसपी को कानूनी दर्जा देंगे, एमएसपी की गारंटी करेंगे। यही भारत जोड़ो न्याय यात्रा का संकल्प है जिसको लेकर के भारत जोड़ो न्याय यात्रा आपके बीच में। और बात सिर्फ किसानों की नहीं है, आप किसानों की बात कर लीजिए, आप महिलाओं की बात कर लीजिए, आप जवानों की बात कर लीजिए, आप श्रमिकों की बात कर दीजिए, आज समाज का कोई ऐसा तबका नहीं है जिसके साथ गलत नहीं किया जा रहा है। और ये मैं नहीं कह रहा हूं,
ये कांग्रेस पार्टी का मंच है और कांग्रेस पार्टी का एक कार्यकर्ता होने के चलते अनावश्यक हम इस सरकार की आलोचना नहीं कर रहे हैं। सरकारी आंकड़ा कहता है कि देश में 45 साल में आज जितनी बेरोजगारी है इतनी बेरोजगारी इस देश के इतिहास में कभी नहीं हुआ था। सरकारी आंकड़ा कहता है कि सिर्फ केंद्र सरकार के विभागों में 10 लाख नौकरियां खाली पड़ी हुई है। सरकारी आंकड़ा कहता है कि इस देश में 1 घंटे से कम वक्त में 2 किसान आत्महत्या करते हैं और 2 जवान आत्महत्या करते हैं। इसीलिए किसान का बच्चा होने के नाते मैं सरगुजा के एक एक किसान के बच्चों को कहना चाहता हूँ, एक एक जवानों को कहना चाहता हूँ, है मेरे दोस्त, आत्महत्या करके अपनी जान नहीं गंवानी है, भूख से तड़प करके नहीं मरना है, मौत को गले नहीं लगाना है। अगर इस देश में मरना है तो अपने हक और अधिकार के लिए लड़ कर मरेंगे। इस बात को याद रखना कि ये देश जितना मोदी जी के दोस्त का है उतना ही हमारा भी है। यह देश जितना गृह मंत्री का बेटा जयशाह का है उतना ही इस देश के किसान के बच्चों का भी है, मजदूर के बच्चों का भी है। इस बात को याद रखना कि अगर उनका 14 लाख करोड़ का कर्जा माफ किया जा सकता है तो हमारे किसानों का भी कर्जा माफ करना पड़ेगा। अगर उनका बेटा BCCI का सेक्रेटरी बन सकता है तो हमको भी नौकरी देनी पड़ेगी। इस बात को याद रखना। इसीलिए मैं आप सब लोगों को यह अपील करने के लिए आया हूँ, यह भारत जोड़ो न्याय यात्रा आपके बीच में आपके हक और अधिकार के लिए की रक्षा के लिए आई है। यह भारत जोड़ो न्याय यात्रा भाजपा को हराने के लिए नहीं आई है। इस बात को मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूँ, भाजपा को हराना हमारा लक्ष्य नहीं है। अरे उसको क्या हराना जो उधार की बैसाखी से चल रहा हो। मैं तो कहता हूँ कि 100 से ज्यादा MP जो कांग्रेस पार्टी छोड़ करके गए हैं और आज भाजपा में MP बने हुए हैं, भाजपा के मंत्रिमंडल में मंत्री बने हुए हैं, जिस दिन उनका ईमान जाग गया ना, जिसका नमक खाए थे उसकी नमक हलाली याद आ गई, उस दिन भाजपा तो अपने आप ही हार जाएगी। इसीलिए भाजपा को हराने की चिंता नहीं है। आज हमको एक पत्रकार ने पूछा कि हिंदी पट्टी में कांग्रेस पार्टी कमजोर हो गई है, इस पर आप क्या कहना चाहते हैं? हमने कहा कांग्रेस पार्टी कमजोर नहीं हो गई है, कांग्रेस पार्टी को बार बार कमजोर दिखाया जाता है। एक बात बताइए कि कमजोर पार्टी से लोग मजबूत पार्टी में भाग रहे हैं, मतलब पानी का बहाव कहां से कहां तक होता है? अरे पानी का बहाव ऊपर से नीचे होता है ना, मतलब प्रयागराज में गंगा जो है वो उत्तराखंड से आती है ना, प्रयागराज से गंगा जो है वो उत्तराखंड तो नहीं जाती है, तो पानी ऊपर से नीचे की ओर बहता है ना। तो कांग्रेस के लोग अगर आज भी कांग्रेस छोड़ करके भाजपा में जा रहे हैं तो ऊपर तो कांग्रेस पार्टी है ना, है कि नहीं है? और यह बात मैं इसलिए कह रहा हूं, इसमें तथ्य है। तथ्य कैसे है ये जान लीजिए। जब इंडिया की बैठक हुई तो आनन फानन में तमाम जो मोदी जी के समर्थक मीडिया है उन्होंने कहना शुरू किया कि देश के सब चोर इकट्ठा हो गए हैं मोदी जी के खिलाफ। याद है कि नहीं याद है आपको? याद है ना? कि देश के सारे चोर इकट्ठा हो गए हैं मोदी जी के खिलाफ। तो मोदी जी एक एक करके उन चोरों को इकट्ठा कर रहे हैं। नीतीश कुमार के बारे में